दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम इस वक्त उन्नाव के बक्सर घाट में हैं और यहाँ के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं घाट के किनारे और उनको यहाँ पर चील कौवे खा रहे हैं। और ये बात सच भी है, यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा इस तरफ, यहाँ पर बॉडीज़ को गाड़ा गया है और अभी भी पिछले 15-20 दिन के अंदर ये सब ज़्यादा देखने को मिला। इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है और यहाँ के लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई बार लकड़ियाँ नहीं मिली और जिन लोगों को अंतिम संस्कार करना था उनके पास वो पैसा, वो मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी जिससे वो अंतिम संस्कार कर पाते। यहाँ पर उन्नाव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मून वर्मा। मून वर्मा जी, ये बताइए कि इतना भी यहाँ पे सब चारों ओर बॉडीज दिख रही हैं और अब तो खैर यहाँ पर एक रेत डाल दी गई है, लेकिन इतनी बुरी स्थिति क्या क्यों है यहाँ? इसी बॉडी ज़्यादा होने के मटेरियल ना मिलने की वजह से दफन कर देते हैं। हाँ, बस यही है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है, गरीब आदमी, उसके पास 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चा लगता तो कहाँ से लाए? 5-10 हज़ार का खर्चा आता है, वो ट्रैक्टर और गाड़ी का साधन का वही कर लिए बहुत। यहाँ पंडित का और हेन तेन का बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा है। 5-10 हज़ार कम से कम सर, एक बॉडी को जलाने में और अंतिम संस्कार में 10 हज़ार रुपये खर्चा है यहाँ। हर आदमी के पास व्यवस्था नहीं है, 10 हज़ार खर्चा था, हर आदमी के पास व्यवस्था, किसी की यहाँ तबीयत खराब है तो गरीब आदमी को 1,000 रुपए जुड़ाने में उसको मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पे बॉडी इसी तरह दफना दी उन्होंने? यहाँ 500 जो लगता है 100-200-400 रुपए 500 रुपए लेके दफन करके चल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 200-500 रुपये लगता है और वो दफना के। यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो अंतिम संस्कार करने में 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आता है, लोगों के पास नहीं है और लगातार मौत हुई है कोविड के दौरान। और ये यहाँ पे आसपास के एरियाज में या उन्नाव के आसपास जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये जितनी दिख रही है आपको ये सब बॉडी है, जितना भी ये सारा ये सब जो दिख रही है सब बॉडी है, डेड बॉडी है। कपड़ा ये सब बॉडी है, ये जो कपड़ा ऊपर से दिख रहा है ना सर, ये सब डेड बॉडी है। आजी रोक लगा जानो आप लोग सब बॉडी के ऊपर ही खड़े हैं, वही जो कानपुर वाली जो आई है लास से उसी की वजह से रोक लगा, नहीं यहाँ सर कौन रोक लगाता था? नहीं तो यहाँ पर जो आई हैं डेड बॉडीज वो सारे यही लोकल उन्नाव के लोग ही हैं? नहीं, यहाँ से उन्नाव से रायब रेली तलुक की आती है यहाँ सर। अच्छा, यहाँ ये खाली उन्नाव के नहीं है, बहुत दूर दूर तलुक आते हैं, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, जिसका जैसा सिस्टम है सर। यहाँ पर पैसे ना होने की वजह से यहाँ पे गाड़ देता है, यही देखो प्रशासन और सरकार की ओर से अंतिम कोई नहीं सर, यहाँ प्रशासन बैठा तो रहता है सर, कोई कोई कुछ नहीं, कोई नहीं व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, जो मर रहा मरने दो, क्या मतलब है। और जितने लोग बताए जा रहे हैं सर, ये कहा जा रहा है मौत के आंकड़े कम हो रहे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? नहीं, 2-3 दिन में तो कम हुआ, लेकिन बीच में जब ये सब चीजें हुई, इतनी सारी बॉडीज आई तो बहुत ज्यादा बॉडी आ रही थी, तो कहाँ जाएंगी? कितनी आ रही थी रोज? कम से कम 300-400 बॉडी 300-400 बॉडी यहाँ पे इस घाट पे। इस और क्या, यहाँ से लेके कम से कम हुई है 10-12 घाट। तो आप यहाँ आते रहते हैं? यहाँ लगभग आते रहते हैं। आस पास ही कहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ से करीब है 30 किलोमीटर, लेकिन आते रहते हैं। या किसी के डेथ में आए थे आप? डेथ में आए, आज भी आया हूँ। तो आए दिन यहाँ पे किसी ना किसी परिचित की डेथ? परिचित के डेट में आते हैं, ये कोरोना की वजह से? नहीं, कोरोना की वजह से ऐसे भी आते रहते थे, कोई पहली बार नहीं है कि कोरोना की वजह से। बीच डेथ बढ़ गई यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा हो गई है। अभी भी देख लो साला 1 किलोमीटर कहाँ जगह है कहीं पे, आप पब्लिक यही देख लो, 1 किलोमीटर से लाइन लगी, आदमी की बॉडी जलाने की व्यवस्था नहीं। सवेरे से आइए और शाम तक देखिए, तब आपको आंकड़ा लग जाएगा कितनी बॉडी यहाँ जलती है। उस पार नहीं होता था, लेकिन एक चीज यहाँ जगह कम होने तो उस पार भी होने लगा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस पार यानी कि नदी के उस पार भी शव पड़े हुए थे जिन पर रेत आज सुबह डाली गई है। यहाँ के लोगों ने यह भी बताया है कि वहाँ पर शव पड़े हुए थे तो वहाँ पर भी रेत डाली गई है आज।
आप लोगों ने इस बारे में जानकारी दी किसी को कि यहाँ पे ये सब जो हुआ है? यहाँ कोई आता ही नहीं हाँ, यहाँ कोई आता ही नहीं कि जानकारी किसको दे कोई। यही जब बॉडी गाड़ी आती रहती है तो अपना सब साथ में आते हैं, शाम को सवाल ही नहीं। सील कौए सब आके जो सियार सील उतना सब नोस्तकत है, गड्ढा खोद के नहीं भी खा सका उनका आपको रोक ले। रात में कोनो देखे वाला थोड़ो को कि नहीं कैसे खा रहे कैसे नहीं। ये गड्ढे वड्ढे कुत्ते खोद देते हैं? हाँ कुत्ते भी खोद सकते हैं, कोई ज्यादा गहरे तो गाड़ते नहीं, मान लो 4-5 फुट नीचे गाड़ा अपना उखाड़ लिया उन्होंने। आलू तो है, अब रात में यहाँ कौन ताकेगा कि नहीं कौन खोद रहा कौन नहीं खोद रहा। सियार वगैरह भी यहाँ? हाँ हाँ कोई जानवर कोई भी आ सकता है, सियार कुत्ता सभी आते जाते रहते हैं। और कोरोना के केसेस आप लोग के क्षेत्र में कैसे हैं? अरे कोरोना तो आज मान लो 4-5 दिन से कम हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा ही लोग खत्म हुए, जिनको सोच भी नहीं सकता कोई कि ये खत्म हो जाएंगे। हाँ। वो लोग खत्म हो गए। नहीं तो क्या उन लोगों ने जांच कराई थी या बिना जांच? नहीं जांच करवाई मगर उसमें तो नहीं निकला, मगर कारण तो वही बनता ना कि बुखार आया आदमी को, दिक्कत हुई, खत्म हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, एडमिट भी हुए मगर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं सही हुई तो खत्म हो। आपके कह रहे भाई साहब ऑक्सीजन की कमी से, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से लोग हार्ट अटैक हो रहा है, इसी में खत्म हो रहा है। तो यहाँ तो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी अब पहले से सुधरी है? नहीं पहले से 2-3 दिन में सुधार हुआ। व्यवस्था ही नहीं है सर जी, अब सर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। हाँ। जो है वैसे ही है राम भरोसे। अभी क्या नाम है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं लोग? नहीं टेस्टिंग के लिए तो गांव में अभी तक कोई नहीं आया, लोगों को बुखार वगैरह तो टेस्ट के लिए नहीं आया, क्योंकि सरकार बात कर रही है टेस्टिंग की ट्रेसिंग की कुछ यहाँ। नहीं नहीं गाँव तक ये चीज़ें अभी नहीं पहुँची है, बिल्कुल नहीं पहुँची, आसपास के 10-20 गांव में नहीं आया कोई टेस्टिंग के लिए। 6 महीना लगे कम से कम गांव तक पहुंचने में। 6 महीना प्रशासन को अगर इतना सख्ती लेके जैसे यहां करा रही है, कम से कम 6 महीना लगेगा। अगर यही प्रशासन ऐसे काम करे तो 1-2 महीने में काम हो सकता है। नहीं तो ये बात कही आई ना टेस्टिंग कर रहे हैं ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो सब कहने की बात है। हाँ। बाकी होता कुछ नहीं। हाँ। कागज पे हो रहा, अभी यहाँ किसी हॉस्पिटल में चले जाए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको सरकारी में, कहीं है नहीं ऑक्सीजन किसी भी हॉस्पिटल में। उन्नाव जिले के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कानपुर लखनऊ के। प्राइवेट मिलेगा आप? प्राइवेट जाना पड़ेगा। प्राइवेट के पैसे? फिर प्राइवेट के पैसे आदमी के पास खाने के पैसे नहीं है तो प्राइवेट कैसे जाएगा? प्राइवेट भी सर रायबरेली कानपुर लखनऊ इन्हीं शहरों में मिलेगी, लोकल में प्राइवेट की इतनी अच्छी व्यवस्था भी यहाँ नहीं है आसपास कहीं भी। तो ये लोग जो यहाँ पर कारण बता रहे हैं जो डेथ्स हुई हैं उसका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर नहीं है तो वहाँ टेस्टिंग व्यवस्था कहाँ से मिलेगी? कंपाउंडर की ओर रहते बस। कंपाउंडर मतलब जो वहाँ नीचे रहता है चपरासी से ऊपर रहता है। भगवान नगर में अस्पताल है उसमें डॉक्टर ना है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ पे अस्पताल है ये? भगवान नगर। भगवान नगर जो यहाँ पे है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है? सही डॉक्टर उसमें कोई है ही नहीं, खाली वही है। कहाँ है डॉक्टर? वही कंप्यूटर है सब में, वही देते हैं वो। अरे वही बुखार के जानत जो जानत वही दे दिए थे। नहीं चाहे बुखार रहे सांस की दिक्कत हो गोली बस वही गोली ही देना है और कुछ नहीं करना। इनके पास यहाँ हॉस्पिटल में ना ग्लूकोज ना कुछ नहीं, और जबकि सरकारी में सब चीज आती है। तो कहाँ जाती है सर? सब बेच लेते होंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सक्सेना। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। नमस्कार। कानपुर से आप यहाँ पर शव लेके? अब क्या करें मजबूरी मजबूरी, यहाँ जगह नहीं मिल रही तो हम क्या करें? किसकी डेथ हो गई थी? हमारे ससुर की। कानपुर की स्थिति की जो आपने बात की तो कानपुर से लोगों को यहाँ शव लाने पड़ जा रहे हैं। भैया मजबूरी पड़ रही है क्या करे आदमी, वहाँ पर आदमी जलाने दे रहा है भैया रुक जाओ शाम तक टाइम लगेगा, आदमी बैठे रिश्तेदार आते हैं 4 आदमी आएंगे तो रुकेंगे थोड़ी ना भाई, आदमी आएगा 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटा रुकेगा अपना काम किया अपना चले गया घर पे, वहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रही तो क्या करें? सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं लगातार वो दावे सब बेकार हैं, सब बेकार है, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं, दावे सब बेकार, प्रधानमंत्री के सब दावे बेकार, योगी मोदी सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये आदमी मारा मारा घूम रहा, देखो लाइन लगी वहाँ तक लाइन लगी, बताओ क्या करें? बयान आए थे ना अखबारों में भी छपे थे भैया सब बेकार है, बयान यान सब बेकार है। आप समर्थक थे क्या? भैया बिल्कुल हम पूरे योगी मोदी के समर्थक थे, पर समर्थक बेकार है, सब बेकार, जब आदमी को नहीं बचा पा रहे तो देश को कहाँ बचा पाओगे ये बताओ हमको। बहुत ही भयावह स्थिति एक तरीके से मैं कहूँगा, और जहाँ एक तरफ सरकार प्रशासन ये दावे करता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं और बेड की कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ऑक्सीजन की कमी से
लोगों की मौतें हो रही हैं और मौत होने के बाद वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर शव दफना दिए गए हैं। तो इस स्थिति को बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ की ज़मीनी हकीकत है और ये हकीकत यहाँ के विजुअल्स खुद बयां कर रहे हैं। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।